सो हेलो बेब्स, कैसे हैं आप लोग? लिया गलिबा ई हो सुरेगा जी चिंग जो टुडे बी स्टार्स वन ऑफ द बेस्ट सीजन एनिमे। और अब जैसा कि सीजन 2 भी आ चुका है तो एनिमे से तो वाकिफ हो गई। बीस्टर एक ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ 2D एंड 3D एनिमे है प्रोड्यूस्ड बाय ऑरेंज स्टूडियो। बीस्टार बेसक से एनिमे ह्यूमंस पे बेस नहीं है, पर ये क्वेश्चन करता है व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमैनिटी। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो कैसे हम ह्यूमंस की रियलिटी या सिचुएशन को बेहतर दिखा सकते हैं, वो भी बिना ह्यूमंस के। एन एंथ्रोपोमॉर्फिक सोसाइटी बीस्ट विथ ब्लड लस्ट एंड इंस्टिंक्ट्स फिल्ड विथ रेसिसिज्म सेक्सिज्म क्लासिसिज्म जितने भी इस्म्स हैं, हमारी सोच से कहीं अलग कैरेक्टर जिन पे मानवता थोपी गई है सिर्फ जानने के लिए कि हाउ दे एक्ट, हाउ दे रिएक्ट, कैसे वो रहेंगे ऐसे सिचुएशंस में, क्या फिर भी वो जानवर रहेंगे या फिर समझदार होके मोर सिविलाइज्ड हो जाएंगे, या हमारे मेन कैरेक्टर्स का मिलन होगा कि नहीं। सो व्हाट इज बीस्टार्स, व्हाट मेक्स सो स्पेशल? लेडीज एंड जेंटलमैन एंड अदर्स, आई प्रिंस, लेट्स बीस्ट। बी स्टार जिसके दोनों सीजन मैंने हाल ही में देखे डब में। You watching dub? Yes. Gross! Nasty! खैर ये वीडियो सिर्फ सीजन फर्स्ट पे होने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट स्पॉइलर। बीस्टर बेस्ड ऑन मांगा जो सितंबर 2016 से सर्कुलेशन में है, जिसको लिखा मिस पारू इताकाकी ने है, या सही के सर प्राइवेसी। बी स्टार्स बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमॉर्फिक सोसाइटी जहाँ मांसाहारी और शाकाहारी विभाजित हैं, जहाँ हमेशा एक फियर टेंशन बना रहता है कि कार्निवोरस हार्बिवोरस को कब शिकार बना ले, और ये फियर काफी बढ़ जाता है जब एक एकेडमी में एक हार्बिवोरस किसी कार्निवोरस का शिकार बन जाता है। बूम, मिस्ट्री, किसी को नहीं पता किसने ये किया। कहानी फोकस है चार्टन एकेडमी पे, हाँ स्कूल पे, और अपना मेन प्रोटैगनिस्ट लेगोसी अ ग्रे वुल्फ जो ब्यूटीफुल थिंग एंजॉय करता है, जैसे अपने बीटल दोस्त को कैद करना, क्रीपली लड़कियों को घूरना और एनिमल पॉर्न देखना। लेगोसी एक सॉफ्ट स्पोकन शांत रहने वाला और ड्रामा क्लब का मेंबर, जहाँ हार्बिवोर्स और कार्निवोर्स सब हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हार्बिवोर्स लेगोसी से डरते हैं, उसे दूर रहते हैं। जाहिर है जो लेगोसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेगोसी उस ड्रामा क्लब में मिलता है रेड डियर से, लुई, एक टैलेंटेड पॉपुलर गाय जिस पे लड़कियां फिदा होती है, और लुई एक बनी गर्ल सेंट बाय रैबिट पे हारू, जिसे लुई दोस्त बताता है। Her and I are friends. हारू एक लव ट्रायंगल की वजह है। हाँ, सुनने में वही टिपिकल हाई स्कूल सेटअप लग रहा है, और पहले ही बता दो इसे नेटफ्लिक्स लाइसेंस करता है, जो गिबली जैसे स्वीट हॉट वार्मिंग एनिमे मूवीज से लेकर गो और ब्रुटैलिटी जैसे बेस्ट एनिमे भी प्रोड्यूस और लाइसेंस करता है, तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचना। लुई डीप डाउन कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड है अपने हार्बिवोर्स होने पे, पूरी तरह मेस्ड अप है, और ये तो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी का मन हुआ उसे खाने का तो आके उसे खा ले। और इस बी स्टार एनिमे की दुनिया में हर कार्निवोर्स के इंस्टिंक्ट्स है जो हारीवर्स को खाना चाहती है। ये कोई यूटोपिया मूवी नहीं है जहाँ कार्निवर्स के पास पूरा कंट्रोल है उनके सेंसेस पे, उनके फीलिंग्स पे, बट दिस इज रियल इंस्टिंक्ट जिसे कंट्रोल करना बिल्कुल ही मुश्किल है। Hey, old man, it's 70,000 for that finger, right? If I pay for it, that means it's mine to eat. बी स्टार्स एनिमल के बिहेवियर्स और उनके कोशिशों को दिखाता है उन इंसानी चीजों में जैसे ईगो, प्राइड और सीरीज इसे समझाने के लिए ज्यादा यूज होने वाला सेटिंग यूज करता है हाई स्कूल, जो कि आज की जनरेशन के लिए एक अच्छी चॉइस है। ज्यादातर स्टोरीज कैरेक्टर के टीनेज प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, शरीर में बदलाव, नए नए हार्मोन्स को समझना, उन्हें कंट्रोल करना, और बी स्टार ने भी इनह्यूमैनिटी थिंग्स को दिखाया बिना ह्यूमंस। इन बी स्टार लेगोस एक रात के बाद एक पार्टिकुलर इंसिडेंट के बाद उसके सबकॉन्शियस डिजायर जग गए, जिसे कंट्रोल करना लेगोसी के लिए काफी मुश्किल है, जिसे समझना लेगोसी के लिए काफी मुश्किल है, और एक अजीब सा अट्रैक्शन होने लगा उसे उस रैबिट से, हारू के साथ, और लेगोसी को ये नहीं पता ये अट्रैक्शन रोमांस है या लस्टफुल हंगर, और यही फीलिंग्स लेगोसी के इनर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बना। This sound, is it mine?
Is it yours? She feels so warm and small. She moves around a lot. इन बीस्टार्स काफी कैरेक्टर है जो डबल लाइफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट करते हैं, एक जो उन्हें उस समाज में जीने दे और एक जो उन्हें जीने दे, और इस कॉन्फ्लिक्ट से सिर्फ लेगो से ही नहीं स्ट्रगल करता लुई। वेल लुई कोई अपने लस्ट हैंगर से नहीं जूझता क्योंकि वो एक हार्वीवर है, पर देखा जाए तो लुई भी किसी कार्निवोर से ज्यादा स्ट्रगल करता है। लुई कमजोर है पर वो कभी अपने वीकनेस होने का सबूत नहीं दिखाता। लुई को जलन होती है लेगोसी जैसे स्ट्रांग वुल्फ से, और साथ ही डिसअपॉइंट भी कि लेगोसी जैसा स्ट्रांग वुल्फ अपनी पावर का यूज नहीं करता। ये जितने भी कैरेक्टर के इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू हुए जब से मर्डर इंसिडेंट हुआ, जब शो शुरू हुआ। और कमाल की बात ये, मर्डर सीरीज का फोकल पॉइंट है ही नहीं। दिस इज नॉट अ मिस्ट्री एनिमे जहाँ डिटेक्टिव होगा और केसेस सॉल्व होंगे, बल्कि लगभग इस इंसिडेंट्स को भुला दिया गया जैसे ही इसने अपना पर्पस सर्व किया। वेल मर्डर कभी स्टोरी का हिस्सा था ही नहीं, पर मर्डर हुआ। किसी कार्निवोर ने हार्वीवर स्टूडेंट को खाया जो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के माइंड में घूमता है, और यही चीज कहानी को आगे बढ़ाता है। Beastar is amazing. Story-wise, it's interesting. It's real. It's emotional. Powerful characters. और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। पूरे वक्त का। Oh yeah, production. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 2D और 3D मिक्स एनिमेशन इज ब्यूटीफुल। इसके साउंड ट्रैक्स के सीजीआई कमाल के। पर देखा जाए तो एनिमे में अक्सर 3D एनिमेशन से हम भागते रहे। वेल ऑनेस्टली मैं भी, cause they are breathtaking, but this is beautiful, a unique style. और कमाल की बात, बॉडी लैंग्वेज के मामले में भी एनिमे काफी बेहतरीन करता है। और म्यूजिक, लिटरली मैंने कभी भी एनिमे में स्टॉप मोशन तो नहीं देखा, एंड आई फ्रिकिंग लव दिस। बीस्टार की खूबसूरत बात, आप सिर्फ इस एनिमे को रोमांस के लिए नहीं देखते या सिर्फ इसके वर्ल्ड बिल्डिंग या ड्रामा के लिए, आप हर एक एस्पेक्ट एंजॉय करते हो, बेशक से आपको ह्यूमन टाइप एनिमल में इंटरेस्ट हो या ना। द डायलॉग, द बॉडी लैंग्वेज एंड द म्यूजिक, बीस्टार इज ब्यूटिफुल। तो बीस्टर के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और साथ ही आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और जैसा कि अभी सीजन 2 ऑनगोइंग है, अगर वो आप देख रहे तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, हो सकता है तो उस पर मैं वीडियो बना दूं। सो कीप वॉच टाकू टॉक्स, अंटिल देन, ओरा ओरा, सायोनारा।